पंजाब के अमृतसर जिले का गांव धर्मूचक, जहां सूरत सिंह रंधावा और बलवंत कौर रहते, खेती किसानी करते, घर का खर्चा पूरा नहीं पड़ता तो रोजी रोटी के लिए सिंगापुर भी आते जाते रहते। सूरत सिंह रंधावा और बलवंत कौर के दो बेटे हुए, एक थे सरदारा सिंह रंधावा और आज कहानी सूरत सिंह रंधावा और बलवंत कौर के बड़े बेटे दीदार सिंह रंधावा की, वो जिन्होंने कुश्ती में बड़े से बड़े पहलवान को चित कर पूरी दुनिया में नाम कमाया। ऐसे पहलवान जिन्हें ताकत का पर्याय माना जाता है। गामा पहलवान को बुढ़ापे के वक्त एक एक पैसे के लिए मोहताज होते देखा तो सबक लिया, सिर्फ पहलवानी में नाम कमाकर जिंदगी नहीं कटेगी, पैसे भी कमाने पड़ेंगे, इसलिए फिल्मों में एक्टिंग की। ये पर्दे पर शर्ट उतारने वाले पहले एक्टर थे। टीवी सीरियल रामायण में हनुमान बने तो घर घर पहचान मिली। कुश्ती का मैदान हो, माया नगरी का आसमान या फिर राजनीति, दीदार सिंह रंधावा उर्फ दारा सिंह जब दुनिया छोड़कर गए तो उस दिन उनका परिवार रोया नहीं, बेटे ने शैंपियन खोलकर जमकर पार्टी की। 19 नवंबर साल 1928 को जन्मे दीदार सिंह रंधावा खेतीबाड़ी के साथ शौकिया पहलवानी भी करते। फिर जब 18-19 साल की उम्र के हुए तो सिंगापुर चले गए। सिंगापुर जाने के लिए जब कागजात तैयार किए गए तो अपने नाम दीदार सिंह रंधावा को छोटा कर दारा सिंह कर लिया। फिल्म हिस्टोरियन शिशिर कुमार शर्मा के एक लेख के मुताबिक सिंगापुर में कुश्ती का खेल बहुत पसंद किया जाता था। वहाँ हैप्पी वर्ल्ड और ग्रेट वर्ल्ड नाम के दो मशहूर अखाड़े थे। दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया है कि मेरी कद काठी और पहलवानी के शौक को देखकर लोगों ने मुझे प्रोफेशनल पहलवान बनने को प्रेरित किया। मैं 6 महीने तक हैप्पी वर्ल्ड के एक उस्ताद जी की मालिश करता रहा, लेकिन मुझे वहाँ कुश्ती लड़ने का मौका नहीं मिला। फिर ग्रेट वर्ल्ड अखाड़े के उस्ताद हरनाम सिंह जी ने मुझे अपना शागिर्द बनाया। वो खूब कसरत करते और जमकर खाते। अपनी डाइट को लेकर दारा सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मेरी आत्मकथा में लिखा है, मैं हर दिन 250 ग्राम देसी घी, 4 लीटर दूध, 100 ग्राम बादाम, आधा किलो मीट और 8 से 10 रोटियां खाया करता। नियमित तौर पर सेब और आंवले का मुरब्बा भी खाता। नाश्ता नहीं करता, दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाता। कसरत के बाद ठंडाई या फिर चिकन सूप जरूर पीता। हफ्ते में एक दिन व्रत भी रखता ताकि मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। मैंने कभी आर्टिफिशियल डाइट जैसे प्रोटीन पाउडर या फिर कोई दवा जैसी चीज़ नहीं ली। साल 1950 पहली बार मलेशियाई चैंपियन को मात दी, इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 50 और 60 के दशक में तमाम नेशनल इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। साल 1955 में मशहूर रेसलर किंग कॉन्ग को धूल चटाई। साल 1966 में रुस्तमे पंजाब और साल 1978 में रुस्तमे हिंद का खिताब मिला। साल 1968 में अमेरिका के पहलवान को हराकर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। साल 1983 को दारा सिंह ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। रिंग में अपने विरोधियों को चित करने वाले दारा सिंह ने फिल्मों में भी काम किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े। साल 1952 की फिल्म संगदिल से एक्टिंग की शुरुआत करने वाले दारा सिंह अपनी ऑटोबायोग्राफी मेरी आत्मकथा में लिखते हैं, मुझे डर था कि लोग मजाक ना उड़ाएं, लो पहलवान चला हीरो बनने। वैसे भी हम पहलवानों के लिए फिल्म देखना तक वर्जित था। मेरे उस्ताद जी कहते थे ये तमाशबीनों का काम है, लेकिन मेरा बुढ़ापा गामा पहलवान और बुलेट पहलवान की तरह तंगहाली में ना कटे, इसलिए मैंने फिल्मों में काम किया। लेकिन मैं पहलवानी से वक्त मिलने के बाद ही शूट पर जाता। करीब 25 से ज़्यादा फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम करने वाले दारा सिंह की पहली सुपरहिट फिल्म साल 1962 की किंग कॉन्ग थी। फिर वो वक्त आया जब दारा सिंह घर घर पहचाने गए। साल 1987 के रामानंद सागर के सीरियल रामायण में हनुमान के रोल को दारा सिंह ने जीवंत कर दिया। इसके लिए उन्होंने नॉनवेज तक खाना छोड़ दिया था और पूरी तरह सात्विक हो गए थे। करीब 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले दारा सिंह आखिरी बार साल 2007 की फिल्म जब वी मेट में करीना कपूर के दादा के रोल में दिखे। दारा सिंह बीजेपी में शामिल होकर सियासत में भी उतरे। साल 2003 से 2009 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे। दारा सिंह के छोटे भाई सरदारा सिंह उर्फ रंधावा भी पहलवानी के साथ फिल्मों में एक्टिंग करते। इन्होंने एक्ट्रेस मुमताज की छोटी बहन मल्लिका से शादी की है।
वहीं फिल्मों में दारा सिंह की जोड़ी एक्ट्रेस मुमताज के साथ सुपरहिट रही। दोनों के रोमांस के किस्से अखबारों की हेडलाइन बनते। दरअसल साल 1963 की फिल्म फौलाद में दारा सिंह के अपोजिट जब कोई एक्ट्रेस काम करने को तैयार नहीं हुई थी, तब मुमताज ने ही दारा सिंह की हीरोइन बनने के लिए हामी भरी। दोनों ने दर्जनों फिल्मों में एक साथ काम किया और अपने रोमांस की बात को हमेशा नकारा। दारा सिंह कहते हैं, मैं सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। दरअसल दारा सिंह ने दो शादियाँ की। साल 1942 में महज 14 साल की उम्र में बच्चों कौर से पहली शादी की। 17 साल की उम्र में प्रद्युम्न सिंह के पिता भी बन गए। बेटे प्रद्युम्न सिंह ने भी कुछ फिल्मों में एक्टिंग की है। साल 1952 में पहली पत्नी से तलाक हो गया। फिर साल 1961 में सुरजीत कौर औलख से दूसरी शादी की। तीन बेटियां कमल, लवनीन, दीपा और दो बेटे वीरेंद्र सिंह और अमरीक सिंह के पिता बने। वीरेंद्र सिंह उर्फ बिंदु दारा सिंह ने भी कई फिल्मों में एक्टिंग की है। दारा सिंह एक ऐसा चेहरा जो हमेशा से इतना जवान और तंदुरुस्त रहा कि किसी को ख्याल ही नहीं रहा कि अब वो 84 साल के हो चले, बूढ़े हो चले। जिंदगी और मौत से कई दिनों तक जूझने के बाद आखिरकार 12 जुलाई साल 2012 को दुनिया छोड़कर चले गए। दारा सिंह के निधन के बाद उनके बेटे बिंदु दारा सिंह ने उस दिन को सेलिब्रेट किया। घर में शैंपेन खोली, पूरे परिवार के साथ पार्टी की। एक इंटरव्यू में बिंदु दारा सिंह ने बताया था कि मेरे पिता ने कहा था, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी जिंदगी का जश्न मनाना, रोना नहीं। रात को सारा परिवार साथ था, बहनें, जीजा जी, सब लोग। सबको अलविदा कहने के बाद हमने शैंपेन खोलने का फैसला किया। हम पार्टी करने लगे और कहने लगे, पापा के नाम, पापा के नाम। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।